ये देखिए, चावल के साथ ये कितना जो है डिलीशियस लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए हम आ गए हैं अपने खेत में और आज हम यहाँ से लेने वाले हैं, देखिए ताज़े ताज़े ढेर सारे मूली। और आज हम मूली की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कर दीजिए भी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ डलई में देखिए इतने सारे मूली लिए हैं, बट हमें ये थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें से दो चार मूली और ले लेते हैं। और इस वक्त हमारे खेतों में बहुत ज़बरदस्त मूली लगी है, काफ़ी मोटे मोटे मूली हो गए हैं। तो चलिए आज इसकी ज़बरदस्त रेसिपी बनाते हैं। तो ये देख रहे हैं, देखिए सब मेड़ पे हम मूली बोए थे, देखिए अरे बाप रे, तो काफ़ी जो है बड़ा है, निकल नहीं रहा है। अरे यार, तो देखिए ये क्या गजब की मूली है। तो फाइनली हमने अपने काम भर के मूली ले लिए हैं। तो चलिए यहीं से लेते हैं, हरा हरा धनिया, हरा लहसुन, हरे मसालों से बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। तो मूली जो है ना, देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और ठंडी की वजह से अब इसकी कोई रेसिपी बना नहीं पा रहे थे। देखिए ये टूट गया, तो चलिए अब थोड़े से धनिया पत्ता ले लेते हैं ताज़े ताज़े। तो देखिए धनिया में जो है देखिए फूल आने लगा है। तो ये हमने थोड़े से आलू उबाले हैं, तो मूली को हमने देखिए बढ़िया से धुल लिए हैं। और धुल के इसे थोड़ा सा जो है हम छील लेते हैं। इसके देखिए ये ऊपर के जो इस तरह के रेशे और इस तरह का जो इसका कलर है, सख्त जो चमड़ी है ये निकल जाए, तो इसको हम हल्का सा ऐसे छील के साफ कर ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। तो पहले तो सारे मूली को हम छील के और इसको कर लेते हैं देखिए कद्दूकस। तो सारे मूली को पहले देखिए हम कर ले रहे हैं कद्दूकस, ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों देखिए आग जला लिए हैं और यहाँ हम डाल दे रहे हैं सरसों का तेल, इसको गर्म होने देते हैं। और इधर हमने ये जो मूली कद्दूकस किए हैं, तो इसे हम एक बड़े बर्तन में
निकाल ले रहे हैं। तो देखिए ये इतने ढेर सारे मूली हमने सब कद्दूकस किए हैं, तो इसमें हम डालते हैं ये अदरक लहसुन मिर्च जो हमने पेस्ट बनाए हैं, थोड़ा सा ये डाल देते हैं, और ये थोड़े से अजवाइन। अब इसमें हम डालेंगे नमक, मिक्स करते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ये बेसन और इसको मिक्स करते हैं। इसमें पानी की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं क्योंकि मूली ऑलरेडी पानी जो है कुछ छोड़ता है, तो इसमें हमने नमक डाल दिए थे, तो देखिए ये पानी रिलीज़ करने लगा है, तो इसी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो बेसन अच्छे से देखिए हमने मिक्स कर लिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी खूब अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और बेसन उसी हिसाब से डालेंगे जिस हिसाब से इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो ये देखिए ये जो है मूली अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जा रही है, तो बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे। इसमें हम देखिए थोड़ा सा हल्दी डाल दे रहे हैं, इससे क्या होगा थोड़ा कलर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए इसमें हम डाल दिए हल्दी, मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये हम मूली जो लिए हैं इसको डालते हैं गरम तेल में। तो देखिए ये एक साइड से सीख गया, तो इसको पलट देते हैं और दूसरे साइड भी सेक लेते हैं इस तरह से। देखिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मूली जो है हो गया है फ्राई, तो इसको हम निकालते हैं अलग बर्तन में। तो इसी तरह से जो है सारे मूली देखिए हम कर ले रहे हैं सब फ्राई। देखिए कितना सुंदर जो है लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे मूली जो है हमने देखिए ये कर लिए हैं फ्राई। तो तेल थोड़ा देखिए ज़्यादा है, तो इस तेल को हम कर लेते हैं कम। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो ये बचे हुए तेल में हम डाल दे रहे हैं देखिए तेजपत्ता, जीरा और ये ज़रा सा हींग। ये देखिए ये हमने प्याज काट रखे हैं, तो ये डाल देते हैं। और प्याज को थोड़ा भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स प्याज जो है भून गया है, तो अब इसमें हम ये डाल देते हैं अदरक लहसुन और मिर्च, ये हमने कूट लिए हैं, तो इसको भूनते हैं। तो देखिए इसमें हमने अदरक लहसुन मिर्च डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा इसे हम भूने हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं ये थोड़े से मटर, तो ये मटर डाल देते हैं, तो मटर भी पक जाएगा इसी के साथ। तो देखिए मटर भी भून गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे ये दो तीन हमने टमाटर पीस लिए हैं, तो ये टमाटर डाल दे रहे हैं। और अब इसी में हम कुछ मसाले भी डालेंगे, तो ये थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया गरम मसाला पाउडर, ये हल्दी पाउडर और ये नमक, मिक्स करते हैं। तो सारे मसाले और नमक हमने टमाटर के साथ डाल दिए हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो टमाटर और मसाला है सब बढ़िया से पक जाए। तो देखिए बहुत ज़रा सा हमने पानी डाले हैं और इसको हम ढक देते हैं और ढक के अच्छे से पका लेते हैं पहले। तो चलिए फ्रेंड्स मसाला चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये भाप की वजह से दिख नहीं रहा है, बट मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। चलिए मैं इसे पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मसाले जो है बहुत अच्छे से पक गए हैं, और जब मसाले पक जाते हैं तो इस तरह से वो थक्के के रूप में जमने लगते हैं, और इस तरह से ये देखिए गिरते हैं। जब आप इसे कलछुल से या पलटे से इस तरह से गिराएंगे, तो मसाले पक गए हैं। तो अब इसमें हम देखिए डालेंगे ये हमने आलू जो उबाले थे उसको मैश कर लिए हैं, तो ये डाल देते हैं।
और फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इसमें हमने आलू देखिए डाल दिए हैं, तो इसको अच्छे से मसालों के साथ आलू को भून लेते हैं। दरअसल इसमें हम आलू डालें क्योंकि इस ग्रेवी को हम गाढ़ी बनाएंगे, तो जब भी आपको सब्जियां में ग्रेवी गाढ़ा बनाना हो तो उसमें थोड़े से आलू उबाल के डाल दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये जो हमने मूली फ्राई किए हुए हैं ये सब इसमें डाल देते हैं, ये थोड़े से मैं बचा ले रही हूँ, चटनी के साथ खाने में अच्छा लगेगा। तो इसको भी मसालों के साथ मिक्स करते हैं। ये देखिए तो देखिए ये हम मसालों में थोड़ी देर इसे चलाते हुए भून लिए हैं। तो चलिए अब हम ग्रेवी के अनुसार इसमें डालते हैं पानी। दरअसल ये मूली की सब्ज़ी हम बना रहे हैं चावल और रोटी के साथ खाने के लिए, तो चावल के साथ खाने के लिए जब ग्रेवी थोड़ी पतली होती है तभी अच्छा लगता है। तो फाइनली हमने देखिए इतना पानी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। नमक हमने पहले ही डाल दिए थे तो अब इसको ढक देंगे ताकि ये पानी अच्छे से पक जाए और हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक जाए। तो फाइनली मूली की हमारी जो सब्ज़ी है बहुत लजीज बनने वाली है। तो हमने आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिए हैं, तो चलिए अब इसको ढक देते हैं और इसे 5-7 मिनट पकने देते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए 7-8 मिनट सब्जी को पकते हो गया है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो फाइनली ये देखिए हमारी मूली की सब्ज़ी बनके कितना बढ़िया जो है एकदम सही कंसिस्टेंसी में आई है। तो अब इसमें हम देखिए डाल देंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया और इसमें हमने लहसुन की पत्तियाँ भी डाले हैं। तो ये जब हम इसमें डालें के ऐसे हम थोड़ी सी और ढक देते हैं ताकि ये जो धनिया पत्ती का जो स्वाद है ना ये खूब बढ़िया से सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। तो 1-1.5 मिनट हो गए, तो चलिए इसको सब्ज़ी को हम आँच से देखिए उतारते हैं नीचे और फिर से खोलते हैं। तो देखिए दोस्तों सब्ज़ी हमारी एकदम से बढ़िया बन के तैयार हो गई है चावल के साथ खाने के लिए। तो ये हमने सब्ज़ी बनाए हैं इसे चावल के साथ खाने के लिए। तो देखिए ये हम निकाल लिए हैं थाली में चावल और इसमें ये डालते हैं मूली की सब्ज़ी। ये देखिए चावल के साथ ये कितना जो है डिलीशियस लग रहा है। तो दोस्तों तैयार है मूली की ये ज़बरदस्त रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसे नॉन रोटी के साथ भी खाइए बहुत अच्छा लगेगा, पराठे के साथ खाइए बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।